आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक पाठक। पहले साल 2014 और फिर 2019 यानी इस साल हुए लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही, जिनका समर्थन के साथ ही भारी विरोध भी हो रहा है। हालांकि सबके बीच अफसोस की बात तो यह है कि देश का विकास कहीं ठहरा हुआ है और इसकी एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह है, मगर उन पर बात या मंथन होने के बजाय अन्य मुद्दों पर सियासी घमासान है। भारत अभी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी कम होने के बजाय और पैर पसार रही है, देश का अन्नदाता परेशान है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, अपराध बेहिसाब है, हर रोज बलात्कार की घटनाएं आम हो चली है। लेकिन इन मुद्दों से इतर बात नागरिकता और हिंदू मुस्लिम की हो रही है। ऐसा तब है जब नागरिकता बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है, तो भी इस पर रण है। हालांकि कांग्रेस ने अब बड़े मुद्दों की ओर भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बीजेपी की नीतियों को पूरी तरह से गलत बताते हुए दिल्ली में भारत बचाओ रैली करने जा रही है। रैली देश की राजधानी में रामलीला मैदान पर होगी, जिसमें सभी राज्यों से लाखों कांग्रेसी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से रवाना हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश से भी कल हजारों की संख्या में कांग्रेसी भोपाल से जाने वाली स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ बाकी राज्यों से भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भारत बचाओ आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस की रैली देश को आर्थिक संकट से उबारने के साथ ही किसानों की स्थिति सुधारने, बेरोजगारी खत्म करने, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रैली के जरिए बड़ा बदलाव हो पाएगा, क्या केंद्र की मोदी सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा, या फिर कांग्रेस इस रैली के जरिए दिल्ली समेत देश भर में सिर्फ अपनी खोई जमीन को फिर हासिल करने का प्रयास करेगी। आज इस बड़े मुद्दे पर हम महाभाष करेंगे जनता मांगे जवाब के आज के इस मुद्दे पर रैली से रण। बेरोजगारी चरम पर है, युवा सड़कों पर नौकरियों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, किसान पूरी तरह से बेहाल हैं, उन्हें किसी भी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, कानून व्यवस्था बेपटरी है, थोक भाव में अपराध हो रहे हैं, बेटियां हर रोज बलात्कार का शिकार होकर मर रही हैं, आर्थिक संकट के बीच महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। ये सारे आरोप कांग्रेस और विपक्षी दलों के हैं। फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस दिल्ली में आगामी 14 दिसंबर को भारत बचाओ रैली करने जा रही है। कांग्रेसियों का दावा है कि उनकी भारत बचाओ रैली भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिलाकर रख देगी। क्या वाकई ऐसा होगा या फिर कांग्रेस की ये रैली महज उसका सख्त प्रदर्शन बनकर रह जाएगी, इस पर चर्चा शुरू करें। आइए इसके पहले दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। रैली से एक नए रण की होने जा रही शुरुआत, देश भर से कांग्रेसियों का दिल्ली में लग रहा चमावड़ा, भारत बचाने के लिए पार्टी हो रही है एकजुट। बड़ा सवाल, क्या जंगी प्रदर्शन से मोदी सरकार पर पड़ेगा कोई प्रभाव? ये दिल्ली का वो रामलीला मैदान है जो आने वाली 14 दिसंबर को कांग्रेसियों से खचाखच भरा होगा। दरअसल इस मैदान से कांग्रेस भारत बचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रही है। रैली में महज 2 दिन शेष, ऐसे में देश भर से कांग्रेस दिल्ली के लिए कूच कर रही। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक स्पेशल ट्रेन कांग्रेसियों को लेकर निकल चुकी है। इस स्पेशल ट्रेन को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने गुरुवार सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैदान में जंगी प्रदर्शन हो रहा है, भारत बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ से लगभग स्पेशल ट्रेन से 3,000 लोग जा रहे हैं, अन्य साधनों से भी लोग जा रहे हैं। केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार को जगाने का काम करेंगे। इधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से शुक्रवार को हजारों की संख्या में कांग्रेसी दिल्ली कूच करेंगे। राजधानी भोपाल से एक स्पेशल ट्रेन कांग्रेसियों को लेकर रवाना होगी।
जबकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ट्रेन के साथ ही बसों के जरिए पार्टी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए निकलेंगे। देश भर से कांग्रेसियों के आगमन से पहले दिल्ली में भारत बचाओ रैली की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेसियों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनकी ये रैली ऐतिहासिक होगी। 14 तारीख की रैली एक ऐतिहासिक रैली रहेगी और यहाँ से नरेंद्र मोदी सरकार के अस्त की शुरुआत होगी। ये देखिए कि जिस तरह से आर्थिक मंदी, जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह किसानों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उसके ऊपर लक्ष्मी ये रैली बनी। कांग्रेस की भारत बचाओ रैली मुख्य रूप से गिरती जीडीपी, चौपट हो रही देश की अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ती बेरोजगारी को लेकर है। इसके अलावा मंदी के दौर में महंगाई और किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लाखों कांग्रेसी दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ 14 दिसंबर को हुंकार भरेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए कांग्रेस तैयार है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष की इस रैली पर सवाल उठा रहा है। तमाम भाजपाइयों का कहना है कि कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन जनता और उसके हितों के लिए नहीं बल्कि देश में उसके खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए। कांग्रेस वाले जो दिल्ली कुछ कर रहे हैं उनका जो मामला है भारत बचाओ आंदोलन, मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ को बचा लो, भारत बचाने की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। भारत बचाने वाले दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो भारत को बचा लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर वजह चाहे कुछ भी हो लेकिन जिस तादाद में कांग्रेस दिल्ली में आगामी 14 दिसंबर को जुट रही उससे पार्टी के प्रदर्शन की जंगी होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इससे आर्थिक संकट और बेरोजगारी खत्म होने के साथ किसानों की स्थिति में सुधार होगा इस पर सवाल है, क्योंकि देश में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की फिलहाल जो स्थिति है उससे इस बात की संभावना ज्यादा है कि भारत बचाओ रैली से जनता का भला हो या ना हो लेकिन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जरूर हो जाएगा। बहरहाल आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जनता पार्टी जवाब में आज के मुद्दे रैली के रण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राय पर सूर्य जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं रमेश बरियानी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बरियानी जी। बीजेपी नेता हैं अशोक बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही भोपाल स्टूडियो से मौजूद हमारे आर्थिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी हैं, आपका स्वागत है। और स्वागत है बरियानी जी और बजाज जी, आपके पास आएंगे ही, पूरा समय आपके लिए ही है। निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में बाकी मध्य भटक जाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम हमारे साथ जो तीनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनसे एक एक सवाल ले लूं, फिर आपके पास आते हैं। लेडीज फर्स्ट वाली स्थिति में पहले साइनी जी आपसे ये सवाल है, इस रैली से क्या आर्थिक जो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं उसमें कमी आएगी, किसानों की समस्याओं का समाधान होगा या अन्य जो भी कारण गिनाए गए हैं इसकी क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जिस तरह से थोड़ा बहुत सही हरियाणा और महाराष्ट्र में जो उसने परफॉर्मेंस दिया है उसके बाद उनको लग रहा है कि मुख्य विरूप फिर से आ सकते हैं, इसलिए कांग्रेसों को एकजुट करने की बात है। त्रिपाठी जी, जहाँ तक ये रैली है, देश बचाओ रैली का नाम दिया है तो इससे ज्यादा शायद ये कांग्रेस बचाओ रैली होना चाहिए। कांग्रेस आज जो कांग्रेस की स्थिति है तो वो बहुत ही हालत खराब है उनके, जो महाराष्ट्र में भी जो आप कह रहे हैं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई थी जी। अगर वहाँ पे जो संख्या देखें तो कांग्रेस चौथे नंबर पे आई है वहाँ पे, और अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ तो वहाँ पे भी कर्नाटक में कांग्रेस ने सारे सीटें जो उनके चली गई हाथ जी। तो ये जो इन्हें जोड़ तोड़ करके जो सरकार बना लेते हैं तो उसका भी कुछ मतलब पॉलिटिकली उनको बहुत बेनिफिट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से कर्नाटक का जो चुनाव का जो नतीजा आया उससे ये लगता है कि ये आगे चल के उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा करती है और लोगों में उनका विश्वास कम होता है जी। तो इस तरह के रैली करके हो सकता है कि कांग्रेस ये चाह रही कि अपना शक्ति प्रदर्शन करें और लोगों के सामने मुद्दा, मेन चीज है कि जो बेरोजगारी है और बाकी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेके आना ही कांग्रेस को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और विपक्ष का जो रोल है वो प्ले करना चाहिए जी। तो अगर ये रैली अगर अच्छे स्ट्रेंथ में आते हैं और ये मुद्दे उठा पाते हैं तो कांग्रेस को जरूर इसमें कुछ उम्मीद दिख सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति जी, आपकी भी हम राय जानना चाहेंगे कि हमने साइनी जी से सवाल किया है वही सवाल आपसे भी है, फिर आर्थिक मंदी के दौर से क्यों गुजर रहा है, क्या है जीडीपी इस समय हमारे देश की, वो रमेश जी से जानेंगे फिर कल्याणी जी से उत्तर लेंगे जी।
जी मैं सहमत हूँ, भारत बचाओ से ज्यादा तो इस समय ये लग रहा है कि अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है जी। क्योंकि जैसा कि आपने बताया है कि 2014-2019 दोनों के आम चुनाव में लोकसभा में जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस बताया और जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार वहां पर बन गई, यहां तक कि उनको एनडीए के अपने सहयोगी दलों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रही जी। तो कांग्रेस के साथ एक समस्या ये आई कि हालांकि वो मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर सरकारें उन्होंने बनाई हैं जी, हरियाणा में भी काफी पहले से तो ठीक ही प्रदर्शन उनका हुआ है जी। और बड़े मुश्किलों से जद्दोजहद के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना पाई है। तो ऐसी स्थिति में जो देश के सामने जो मौजूदा हालात हैं और जो बताया भी जा रहा है कि बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, किसानों पर संकट, किसानों की आत्महत्याएं, उनके साथ फसल का ठीक से मुआवजा न मिल पाना और जिस तरह से मौसम के बदलते हालात हैं उनको लेकर के जो किसानों को परेशानी झेलना पड़ रही है, उन सब मुद्दों को लेकर के ये भारत बचाओ रैली करने जा रहे हैं। तो देखने वाली बात यही है कि जो जमीन खोती जा रही है कांग्रेस देश भर में उसको कैसे मजबूत करे, तो ये एक मौका शायद इनके पास है। और लगता भी यही है कि इस रैली के जरिए पूरे जो बिखरी हुई कांग्रेस है उसको संगठित करने का एक प्रयास जो है कांग्रेस के जो कर्णधार हैं, जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने ये बनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर रैली के परिणाम किस तरह से सामने आते हैं, रैली कितनी बड़ी होती है, कैसे होती है परिणाम। रमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आर्थिक मंदी के दौर से इस समय सबसे बड़ा विपक्ष का मुद्दा है कि हमारा देश बहुत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वजह है अगर दौर से गुजर रहा है? देखिए त्रिपाठी जी, मैं आपको बताऊं कि जी जीडीपी को लेकर के पूरे देश में जो बातें की जा रही है, जीडीपी गिर रही है, जीडीपी हो रही है, मैं थोड़ा सा दर्शकों को टेक्निकल बात बताना चाहूंगा जी। कि जीडीपी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और जिसमें भारत का रैंक जो है वो विश्व में पांचवें नंबर पे है, और नॉमिनल में क्या चीजें आती है जो सामान्य ओवरऑल देखा जाता है नॉमिनल में, और दूसरी जीडीपी होती है वो पीपीपी होती है, उसको परचेस पावर पैरिटा कहते हैं, पैरिटी कहते हैं, तो वो उसमें हमारा देश जो है वो तीसरे नंबर पे है जी। तो जीडीपी जो हमारा 2014 से 2018 के बीच वो यूजुअली 6-7% के बीच में रहा, 2014 से 2018 के बीच में जी। और जो 19 का जो क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर आया है, इसमें 4.5% का जीडीपी रहा, पहले 6.5 था, सिक्स से सात के बीच में, 6-7 के बीच में, और जो सेकंड क्वार्टर में जो अभी हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर का है जी, इसमें 4.5 आई है जी। इसकी सिर्फ और सिर्फ दो ही वजह है, एक तो नोटबंदी रही है, दूसरा जीडीपी अपना जीएसटी रहा है जी। ये जीएसटी से, इन दोनों वजह से जो है भारत की जीडीपी गिरने की वजह ये हुई कि सारे के सारे बिजनेस जो है नोटबंदी से अफेक्टेड हुए, खासतौर से रियल एस्टेट जो कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है, एमएसएमई है, उससे भी बड़ा असर पड़ा है। तो जो नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी में अंतर रहा है, तो पीपीपी में भी उसका असर पड़ा है, और सबसे ज्यादा क्योंकि जीडीपी जो है वो अन्य देशों की तुलना में हमारी जीडीपी जो है वो लोअर इनकम ग्रुप की इकोनॉमी है जी। तो लोअर इनकम और अपर इनकम के हमारे ज्यादा लोग हैं, इसकी वजह से जब दो सेक्टर इफेक्टेड हुए तो सीधे हमारी जीडीपी नीचे गिरी है जी। अब इसका ये हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि नोटबंदी से बहुत बुरा असर पड़ा है, और डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ जीएसटी का जो असर पड़ा है उसे छोटे दुकानदार, छोटे लोग और मध्यम व्यापार करने वाले पे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है जी। अब आइए दूसरी बात, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मैं आपको बता दूं जी। हमारी जो जीडीपी के अलावा जो हमारी टोटल जीडीपी जो है वो जो है नॉमिनल जो है वो 2.93 ट्रिलियन डॉलर की है जी। जो कि मैं आपको जीडीपी बता भी दूं, जीडीपी 2016 में जो थी वो 8.2 थी, 17 में 7.2, 18 में 6.8 और 19 के फर्स्ट क्वार्टर में 6 थी, जो अब घटके 4.5 हो गई है जी। अब जीडीपी नॉमिनल जो हमारी पर कैपिटा है उसे इसका एवरेज क्या होगा, कितना होना चाहिए? एवरेज ये हुआ कि नहीं, एवरेज कितना होना चाहिए कि एवरेज कम से कम 7 तो होना चाहिए। अगर आपको इस समय 4.5, इस समय 4.5 है, और जिसके जैसे कहा जाता है कि कोई भी निर्णय का, सरकार की कोई भी निर्णय का असर जो है वो आने वाले 6-7-8 महीनों में दिखता है जी। वो बराबर 2016 का इफेक्ट अपना नोटबंदी का, 2017 का इफेक्ट
जीएसटी का वो 19 में देखने को मिल गया जी। अब इसको संभालने में कितना समय लगता है ये तो मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है जी। पर साथ साथ प्लस पॉइंट भी ये है जी कि प्लस पॉइंट ये हुआ कि हमारे जो जो मुद्रा के जो है सॉरी जो आने वाले इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट जो पड़ने हैं वो मैं आपको बता दूं जी। कि अभी भी हमारे पास जो आगे जीडीपी सुधरने के चांसेस हैं उसकी एक वजह है कि हमारे पास बहुत आबादी है, युवा आबादी है, और हम लोग के पास आज भी भारतीयों की मानसिकता में बचत रखने का बहुत बड़ा ट्रेंड अभी भी चल रहा है जी। तो बचत हमारे पास काफी है और स्टार्टअप जो हमारे इस समय स्टार्ट हुए हैं वो इस समय स्टार्टअप बेस जो है पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है जी। मतलब हमारे बच्चों ने काफी तेजी से 4,750 टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप स्टार्ट किया है जी। और ऐसा अनुमान है नास्कॉम का कि 2025 तक के 1,00,000 स्टार्टअप स्टार्ट होंगे जो आगे जाके 3.25 मिलियन लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन ये दूर की बात है, अभी वर्तमान की जो हालत है इसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इन दो बिंदुओं ने बहुत बुरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्थव्यवस्था फिलहाल इस देश की बुरी स्थिति में है। एनपीए बढ़ रहा है बैंकों का, एमएसएमई क्या बढ़ रहा है, टेलीकॉम सेक्टर खराब हो गया है, रियल एस्टेट सेक्टर खराब हो गया है और एनएचआई की स्थिति यह है कि ठेकेदारों के पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं। बजट कुल मिला के यह है कि स्थिति डावाडोल है जी। माफ कीजिएगा रमेश जी, मैं नोटबंदी की बात तो नहीं करूंगा लेकिन जीएसटी की जहां तक बात है, जब जीएसटी लागू होने वाला था जब हम लोग जब चर्चा करते थे तो उसमें यह भी निकल करके आया था कि जिन देशों ने जीएसटी लागू की है तो लागू करने के साथ साथ तो उनके बहुत जल्दी उसके इम्पैक्ट सामने नहीं आए हैं हाँ। और शुरू में उनकी अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है, गिरी है। तो लेकिन बाद में जीएसटी का फायदा जो है उन देशों को जरूर मिला है। ये तो हमें भी उम्मीद करना चाहिए कि हमें भी जीएसटी का फायदा आगे जाकर बाद में मिलेगा। मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर निर्णय लिए जाते हैं उनके प्रभाव जो है वो दूरगामी होते हैं, एकदम इमीडिएट आपको असर दिखेगा। और मुझे उम्मीद है नोटबंदी तो खैर छोड़ दीजिए, जीएसटी आगे जाके सभी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट सिद्ध होगी, फिलहाल उसके रिजल्ट निगेटिव। अच्छा नहीं, वो तो बजाज साहब से पूछेंगे नोटबंदी और बाकी बात को। पहले बल्याणी जी, देश बचाओ या दल बचाओ? दल बचा रहे हैं पूरे देश में, आप छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है उसकी बात मत करिएगा, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। राजस्थान त्रिपाठी जी, जी त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी जो है ना देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका देश भर में जनाधार है जी। अब ये चुनावी राजनीति में पिछड़ गए वो अलग बात है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विपक्ष में रहते हुए दायित्व है कि देश को बचाना है जी। और देश को कैसे बचाना है, 2014 में जब मोदी जी आए थे जी, तब उन्होंने क्या कहा था कि अच्छे दिन आएंगे जी। और अच्छे दिन आने के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर दिए थे जी, कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, 15,00,000 रुपये आपके बैंक खाते में डालेंगे, देश के 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे जी, कृषि की आमदनी दुगनी करेंगे जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे जी। ये अच्छे दिनों का सपना था, इसको देख के जनता ने उन पर विश्वास करके वोट दिया जी। लेकिन 5 साल में क्या किया उन्होंने, 3 तलाक, लव जिहाद, गोमांस, हिंदू मुसलमान, इस एजेंडे में चले गए। और अचानक ये किसके सलाह पर उन्होंने नोटबंदी किया और जीएसटी किया, नोटबंदी और जीएसटी ने ही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है जी। जीएसटी की शुरुआत सितंबर जी, यानी नोटबंदी इतना खतरनाक इनका कदम था, कुछ समझ ही नहीं आया कि नोटबंदी क्यों कर रहे हैं जी। यानी जो नोटबंदी का कारण बताए गए थे उस कारण में कुछ भी लाभ नहीं मिला और 99.7% नोट वापस आ गए जी। अब आइए जीएसटी पर, अभी जो मेरे भाई साहब कह रहे थे कि जीएसटी का जो ट्रेड रिकॉर्ड है अन्य देशों में विदेशों में कि शुरू में इकोनॉमी में नुकसान होता है, बाद में फायदा होगा। आप हिंदुस्तान की तुलना विदेश के छोटे छोटे राज्यों से मत करिए, हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ रुपए, यहां पर फुटकर व्यापार में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है जी। और जो जीएसटी इन्होंने बनाई त्रिपाठी जी, बिना सोचे समझे जीएसटी लागू कर दी जी। रेट ऑफ टैक्स ठीक है, कंप्लायंस पार्ट बिल्कुल बेकार है जी। तो जीएसटी भी जितनी टैक्स चोरी हो रही है उतना सेल्टस में नहीं होती थी, एक्साइज में नहीं होती थी जी। इनका आंकड़ा था कि 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर मिलेगा इनको, लेकिन लगातार जीएसटी से रेवेन्यू कम हो रहा है, बढ़ने का नाम नहीं है और आगे भी नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जीएसटी न अधिकारियों को समझ में आ रहा है, न वकीलों को समझ में आ रहा है, न व्यापारियों को समझ में आ रहा है, न वित्त मंत्री को समझ में आ रहा है।
लेकिन हमारा कॉम्प्लिकेट, मैं तो जीएसटी का एडवोकेट हूँ जी, आर्थिक विशेषज्ञ के लिए रोज महसूस करता हूँ कि क्या हो रहा है आर्थिक विशेषज्ञ। आने वाले समय में जीएसटी के इम्पैक्ट मतलब फायदा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखेगा आने वाले समय में, इसलिए नहीं दिखेगा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो सिस्टम है बाजार का, उस बाजार के सिस्टम में जीएसटी सफल नहीं हो सकती है जी। आप वैल्यू एडेड टैक्स जो कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह साहब ने भी कहा है जी कि भाई फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स ले रहे हो तो इनपुट रिबेट क्यों दे रहे हो जी, फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स ले लो ना जी, ई इन्वॉइसिंग क्यों नहीं करते हो जी, तो जीएसटी की बुनियाद में ही खोट है। इससे क्या हो रहा है, बड़े बड़े कारपोरेट और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर इनपुट टैक्स की चोरी हो रही है, लगातार रेवेन्यू लगातार डाउन हो रहा है जी। तो जो पहले बना सिस्टम था वो हो गया, स्थिति ये है कि जीएसटी का जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था जी, अनेक राज्यों को पिछले 3 महीने का कंपनसेशन नहीं मिला है, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, हमारे यहाँ स्थिति खराब हो रही है। चलिए, क्योंकि हमारे को जीएसटी का पैसा मिलेगा तब तो हम काम कर पाएंगे। चलिए जीएसटी पे तो बाद में और बात करेंगे, तो वर्तमान ढांचे में ये आर्थिक मंदी पे आप बता रहे हैं जी, बता रहे हैं कि विश्व में तीसरे नंबर पे जीडीपी में एक में है जो सामान्य नॉमिनल जीडीपी है, दूसरे में पांचवें नंबर पे है, फिर कैसे इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, इस दौरान छह से सात थी जो 4.5 आ गई है, कि घटती बढ़ती तो रहती है जीडीपी, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है कैसे कह सकते हैं। आर्थिक सुस्ती जरूर है, सुस्ती है पूरा वर्ल्ड। त्रिपाठी जी, आर्थिक मंदी के दौर से इस रूप में त्रिपाठी जी, ये केवल जीडीपी के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय दूसरे राज्यों से तुलना के लिए नहीं होते हैं, आपके देश की परिस्थिति के अनुसार देखिए। ये जो जीडीपी के आंकड़े मोदी सरकार में है, इसका आधार वर्ष उन्होंने बदल दिया जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि यह जीडीपी यदि ओरिजिनल पुराने आधार वर्ष लेंगे तो ये 2% पे आ गई है जी। अब देखिए आर्थिक मंदी कैसे नहीं है जी। अब आर्थिक मंदी का ये रास्ता बताता हूं मैं आपको, गवर्नमेंट से अनागरिक सेक्टर में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, नोटबंदी और जीएसटी का असर देखिए जी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 6.7% से गिरकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया है 0.5% जी। सर्विस सेक्टर में 7.6% से गिरकर सर्विस सेक्टर हो गया 3.7% जी। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 4.9% से गिरकर हो गया 2.1%। और कोर सेक्टर भी नेगेटिव चले गया है, तो ये मंदी का ही तो प्रभाव है, क्योंकि सरकार की अर्थनीति क्या है उसको पता ही नहीं है जी। जी, ये एक अभी इन्होंने मंदी से उभारने के लिए जी, त्रिपाठी मंदी से उभारने के लिए जी 1,45,000 करोड़ रुपया का कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया जी। अरे भाई, वो पैसा आपको देना चाहिए था छोटे उद्योगों को, आपने कंपनी का टैक्स माफ कर दिया, लेकिन कंपनी ने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया क्योंकि देश में डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो कोई कंपनी प्रोडक्शन क्यों करेगी। चलिए, तो आपने बहुत आर्थिक मंदी बहुत खतरनाक दौर पर जा रही है जी। बहुत बहुत आपने सारी बहुत सारी चीजें रख दी है, उसका उत्तर तो बजाज साहब से ले रहे, लेकिन साइनी जी कुछ कहना चाह रही है। साइनी जी, रमेश जी, आपने कहा कि ये जुमले दिखा के मोदी जी ने 2014 का चुनाव जीता और उसके बाद 2019 में फिर से वो ज्यादा बहुमत से जीत गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता इतने सारे मुद्दे होने के बाद, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, उसके बाद भी कांग्रेस उसको एनकैश नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी नहीं है इस वजह से? नहीं, उसमें आपको मैं कह रहा हूँ 2019 के चुनाव को आप मोदी जी की सफलता मत मानिए। 2019 के परिणाम के आधार पर जो उग्र राष्ट्रवाद के बाद ध्रुवीकरण किया उसकी जीत पाए जी। आप लगातार दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते हैं, इससे सफलता कैसे नहीं माने? परसेप्शन जो पब्लिक का ये आ गया ना जी, उस बात पर सही है, पुलवामा में जो आरडीएक्स आया उस पर इश्यू बनाए होते, ये पुलवामा का स्ट्राइक को ठीक से हमने डील किए होते नहीं होता। अरे मोदी जी ने क्या किया है, केवल सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस पार्टी ने तो बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान की हैसियत क्या है हमारे सामने? बांग्लादेश बनाने के बाद बंपर जीत हुई तो थी नहीं, इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पाए बेरोजगारी को? वो तो ऐतिहासिक घटना थी ना जी, वो ऐतिहासिक घटना थी कि 1,00,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर किए गए जी जी, और बांग्लादेश जो हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ वो भाषा के विद्रोह पे हुआ जी। याह्या खान यदि बांग्लादेश में बंगला भाषा के जगह पर उर्दू को लादने का प्रयास नहीं करते जी, तो बंगाल के लोगों ने भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए विद्रोह किया।
उसका राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। राजनीतिक लाभ उसका मिल तो चुका आपको, कब 50 साल पुरानी बात को कब तक राजनीतिक लाभ? हमने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जी, हमने राजनीतिक लाभ के लिए ही नहीं किया, लेकिन मिल गया। परिस्थितियां ऐसी आई, ये इंदिरा गांधी जी की जो इच्छा शक्ति थी उसके चलते हो पाया। चले 50 साल का मेरा सामने आ चुका था, बजाज साहब हम लोगों ने सहयोग किया। बजाज साहब से बात कर लेते हैं, गुना से एक दर्शक है मयंक शर्मा। मयंक जी सवाल करें। त्रिपाठी साहब नमस्कार, मेरा सवाल रमेश साहब से है जी। मेरा ये कहना है कि ये भारत बचाओ रैली जो कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, लेकिन मैं इसके लिए ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी रैली तो आप कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन संगठन में बड़े बदलाव कब करेंगे? साहब मैं गुना मध्य प्रदेश से आता हूँ, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, यहाँ पर ज्योतिराय सिंधिया साहब जीते, फिर उनके पिता बाबाराव सिंधिया साहब जीते, लेकिन इस बार साहब मैंने देखा है गुना में कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं मिले और 1 लाख वोटों से ज्यादा से आ रहे हैं साहब, तो संगठन के लिए क्या कर रहे हैं आप, कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर रहे हैं आप? चलिए उत्तर आपका हम बल्याणी से बात मिलेंगे। बाजार साहब कुल मिला के निकल के आया है कि नोटबंदी जो आपका सबसे बड़ा, हाँ ठीक है आप चुनाव जीत गए उसके बाद भी, नोटबंदी और जीएसटी ये मुद्दा है जिसके कारण आर्थिक, बल्याणी जी आर्थिक मंदी बोल रहे हैं, हम सुस्ती बोल रहे हैं, आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। बजाज साहब आप जवाब जी, कहीं कोई आर्थिक मंदी जैसी स्थिति नहीं है, पूरा देश में अर्थव्यवस्था शासन के नियंत्रण में है। ये जो कांग्रेस की जो भारत बचाओ रैली है जी, ये भारत बचाओ रैली न होकर कांग्रेस बचाओ रैली हो गई है जी, क्योंकि इनका अस्तित्व पूरे देश में खत्म हो रहा धीरे धीरे, कहीं पर भी नहीं। ये 3 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी के कारण आ गए जी, वास्तव में कई राज्यों में देखो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इनकी जो आज वर्तमान अध्यक्ष है वही जीत पाई, एक सीट से खाता खुला है, और उस समय जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी अमेठी से चुनाव हार गए, तो कहां से ये करेंगे अपना अस्तित्व कैसे बचाएं? पूरे देश के सामने शासन की कमजोरियों बनावटी एक कमजोरी प्रस्तुत करके एक प्रकार से अपना करना चाहते, पूरे देश में कांग्रेस नेतृत्वहीन हो गई है। बजाज साहब इस्तीफा दे दिया, बजाज साहब 3 महीने तक अध्यक्ष नहीं खोज पाए। बजाज साहब 1 साल पहले जो पूरे भारत में अगर देखा जाए हर राज्य में भगवा रंग दिखता था, कुछ को छोड़ दे, और आज भगवा रंग ओझल होता जा रहा लगातार, आपका जनाधार खिसकता जा रहा, वो ठीक है पुलवामा घटना एयर स्ट्राइक का या जो भी मुद्दा हो उसके कारण राष्ट्रीय मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा जिसके कारण मोदी जी जीत गए, लेकिन जो राज्यों में आपका आप देख लेंगे खुद ही जो भगवा रंग था पूरे भारतवर्ष में दिखता था वो खिसकता जा रहा ओझल होता जा रहा, 40% रह गया 72% से। देखिए ये 3 राज्यों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता हैं ये भारत बचाओ के लिए गए। अरे छत्तीसगढ़ में किसान त्राही त्राही कर रहा है, धान बेचने के लिए सभी धान के खरीदी केंद्रों में मन एक प्रकार से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तालाबंदी हो रही है, अधिकारियों का घेराव हो रहा है और धान बिक नहीं रहा है, किसानों का सही उपज नहीं मिल रहा है, सही समय पर तौल नहीं हो रहा है, किसान किसानों की चिंता नहीं कर रहे हैं। किसान मुद्दा नहीं है बजाज साहब, मुद्दा यह है कि नोटबंदी और जीएसटी को लेकर जो आंकड़े दिए हैं बल्याणी जी, जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसके कारण कितने बेरोजगार हुए हैं, क्या स्थिति हो गई है, मझले और छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आंकड़े बता रहे हैं वो। कांग्रेस का बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, हम जब 2014 में आए तो हमको विरासत में जो बेरोजगारी का फौज मिला पूरे देश भर में, बेरोजगारी जिनके इतने साल तक सरकार रही वो लोग महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, हमें तो हंसी आती है। अरे आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजधानी में घर में घुस के डबल डबल मर्डर हो रहे हैं, यहाँ कानून व्यवस्था यहाँ इतनी खराब है, जहाँ आप खुद सरकार में अब आप भारत बचाने की बात कर रहे हैं,
पहले छत्तीसगढ़ को बचा लीजिए साहब। अरे यहाँ रोज नई नई घटनाएं हो रही है। पे आइए बजाज साहब, अंदर घुस के मांग रहे। अरे विषय पे आइए, हमने आपसे सवाल किया है नोटबंदी के चलते जो सरकारी आंकड़े हैं कितने बेरोजगार हो गए, जीएसटी के चलते कितने कर चोरी ज्यादा बढ़ गई है, उस पे हम बात करेंगे आपसे। एक मिनट आप रुकिएगा, आज नहीं हुए बजाज साहब, राजस्थान से एक दर्शक है भगवान दास जी है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। भगवान दास जी सवाल करें। जी सर। जी सवाल करें। जी सर नमस्ते जी। हाँ नमस्कार, राजस्थान में कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान चूरू जिले से बोल रहे हैं सर। कहाँ से? चूरू से। जी आपका सवाल किससे है? हाँ जी, ये भारत बचाओ रैली जी कर रहे हैं हमारे जी। हाँ तो इस भारत बचाओ इस रैलियों से क्या हुआ आज? आपने अपनी टी शर्ट का वॉल्यूम खोल रखा है फिर बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हमने अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम खोल रखा है, आवाज बढ़ा रखी है, तो आपको आवाज डबल डबल आ रही है, उसको बंद करिए फिर सवाल करिए। जी सर कम कर रहा हूँ, कम जी कम कर रहा। सवाल करिए भगवान दास जी, ज्यादा समय हो गया। हाँ सर नमस्ते जी, ये अभी अभी कांग्रेस पार्टी ये भारत पे बचाओ रैली कर रही है तो राजस्थान में किसान मर रहे हैं कर्जे के वास्ते, तो उसका समाधान करना चाहिए ना पहले। चलिए चलिए बल्याणी से उत्तर ले लेंगे, बल्याणी से सागर से एक और दर्शक है दीनदयाल जी। दीनदयाल जी सवाल करें। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, सवाल करें संक्षेप में जल्दी। मेरा सवाल रमेश भाई से है जी। श्रीमान जी जो भारत बचाओ रैली कर रहे हैं, आप कांग्रेस बचाओ रैली का नाम दीजिए उसके लिए जी, जिससे आपकी कांग्रेस बच जाए। जिस तरीके से आप लोग मोदी और बीजेपी का मतलब विरोध कर करके उनको आपने पावरफुल बना दिया है जी, और आपने अपनी पार्टी को डूबने एक बार लगी हुई है। चलिए आपने सूचना दी है, इस तरह से आप अपने विचार आपने प्रकट किया है, सवाल नहीं है जी। बजाज साहब एक मिनट, बजाज साहब एक गोवा से दर्शक है कमलेश्वर देसाई जी, बमलेश्वर जी सवाल करें। बमलेश्वर जी आपने टीवी सेट का वॉल्यूम खोल रखा है, उसको बंद करिए। हाँ हेलो। हाँ सवाल करें, किससे है सवाल आपका? सवाल है किससे? बजाज साहब से। बजाज साहब जी 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 सवाल करें। अभी 2 करोड़ का नौकरी का हमारा क्या हुआ? हम तो बेकार है, हमको कुछ काम नहीं है। चलिए बजाज साहब, जो मैं बार बार सवाल आपसे कर रहा हूँ, नोटबंदी और जीएसटी, इसके कारण बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, ये गोवा से सवाल किया जा रहा है आपसे, आपकी सरकार है गोवा में। देखिए सरकार जो है रोजगार के अवसर बढ़ाने में लगी है, पूरे केंद्र के सभी निकली है, भर्तियां हो रही है, इसके अलावा स्वरोजगार योजना के बहुत सारे काम चालू हुए हैं, बैंकों में कम ब्याज पर कैसे ऋण दिया जाए, बिना ब्याज के कैसे ऋण दिया जाए, बिना गारंटी के मुद्रा लोन योजना चालू की गई, जन धन खाते खोले गए, बेरोजगारों की समस्या के निदान के लिए शासन ने स्टेटअप योजना लागू की, और हर प्रकार से लोग अपने पांव में खड़े हो जाएं, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हों, इसकी चिंता हो रही है। इसके साथ ही किसानों की आय कैसी दुगनी हो, उनका आय में कैसे बढ़ोतरी हो, ये 2025 तक हो जाएगा क्या? लगातार चिंता कर रही है, लगातार आप चिंता चिंता चिंता, ये चिंता कब आपकी दूर होगी? 2024-25 तक हो जाएगी क्या, कि आगे 5 साल रो लेंगे? बिल्कुल 2022 तक होगी। गांव-गांव में लोग कच्चे मकानों में रहते थे, उनको आवास बना के ये सरकार दे रही है, एक प्रकार से रहने की सुरक्षा प्रदान कर रही है, देश पूरा सुरक्षित है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और पूरा भारत आज मजबूत हो रहा है, अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा है, और 70 साल तक इन्होंने जो बीमारियां फैलाई थी वो सारी बीमारियों को एक एक करके दूर किया जा रहा है, ये लोग तो केवल सत्ता चलाते रहे, तुष्टिकरण की 70 साल की बीमारी है, 70 साल तक सारी समस्याओं के निदान में लगी है। बजाज साहब 70 साल की बीमारी आप 75 साल तक पूरा करेंगे क्या?
नहीं बहुत सारी बीमारी लेंगे, तीन तलाक की। अरे कितने समय लेंगे? धारा 370 35 है, कश्मीर की समस्या कितनी जटिल थी, कितना मैंने आवश्यकता थी रोज वहाँ बताया। बजाज साहब हमारे रमेश जी एक फोट होते थे, बजाज साहब आज वो दूर हो गया। बजाज साहब हमारे रमेश शर्मा जी आर्थिक विशेषज्ञ साइनी जी सवाल करना चाह रहे हैं। 2018 में सरकार की जो आय थी वो 40 ट्रिलियन रुपए थी, खर्च 52 ट्रिलियन रुपए था। इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे मैनेज होगा? अर्थव्यवस्था तो डगमगाएगी ना, इस पे कैसे मैनेज होगा? 40 ट्रिलियन रुपए मिलते थे और 52 ट्रिलियन खर्च हुआ 2018 में। रमेश जी आप और वरियानी जी और अच्छे से शायद बता सकते हैं इससे। पंद्रह परसेंट स्थापना व्यय बढ़ा है जी, ये खास अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी ना, तो बजाज जी इस पे क्या कहेंगे आप? 2018 में 12 ट्रिलियन का डिफरेंस आया। बजाज जी आप बताओ जी। देखिए रेलवे में भर्तियां हो रही है, अरे नहीं आपके सेना में भर्तियां हो रही है जी, स्वरोजगार योजना बढ़ रही है और आय लोगों की आय बढ़ रही है, क्रय क्षमता में वृद्धि हो रही है। आज जो लोग मैंने टू व्हीलर चलाते थे सब फोर व्हीलर की तरफ सोच रहे हैं और ले रहे हैं। कृषि के नए तकनीक आ गए, नए नए तकनीक विकसित किए गए, किसान भी अच्छे तरीके से खेती कर सके और उनको किसान सम्मान निधि सरकार ने जारी किया है और कम से कम ब्याज नहीं तो इन्फ्लेशन जो है ऋण दे रही है। इन्फ्लेशन 3.5 क्यों हो गया? इन्फ्लेशन 3.5 क्यों हो गया? एक्सपोर्ट बढ़ा लेकिन इन्फ्लेशन क्यों कम हो गया? फिर अगर परचेसिंग पावर है वो बाजार साहब फिर से वही जो बीजेपी का रमेश जी आप बताइए इन्फ्लेशन क्यों कम होगा? आपके आंकड़ों में क्या होगा मैं नहीं कह सकता जी। अरे आंकड़े ही तो सब कुछ है जी जी जी। वो आपको व्यवहारिक जीवन में जा देखिए लोगों के मैंने पहले से परचेसिंग पावर कितना बढ़ गया है, लोगों के रहन सहन का स्तर कितना ऊंचा हुआ है। परचेसिंग पावर कहाँ बढ़ा भाई? परचेसिंग पावर घटा है, इसलिए तो आर्थिक मंदी है। डिमांड बढ़ती प्रोडक्शन बढ़ता डिमांड बढ़ती ज्यादा। सानी जी आप क्या सवाल करना चाहेंगे? ठीक है, आपने बोला कि टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आ गए हैं लोग आ रहे हैं, पर ये ऑटो सेक्टर आपको पता होगा कितने मंदी पे चल रहा है। ऑटो सेक्टर सारे ऑटो सेक्टर बंद हो रहे हैं, शोरूम्स बंद हो गए हैं। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि बीजेपी जो है हमेशा ये डिनायल में क्यों रहती है कि इकोनॉमी ठीक है, सब ठीक है, और हिंदुत्व के एजेंडा पे चलते हो और जो इकोनॉमी है उस पर ध्यान नहीं देते, जो विकास का काम है उस पर बोल के ही बेसिक फैक्टर हुई जी। बजाज साहब उत्तर देना चाहेंगे फिर रमेश जी के पास जा रहे। देखिए क्या है कि हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र में संकल्प पत्र में जो बातें रखी है 370 को भी हिंदुत्व से जोड़ा गया, 35 ए को भी हिंदुत्व से जोड़ा गया, अभी नागरिक संशोधन बिल आया उसको भी हिंदुत्व से जोड़ा गया। कृपया हर चीज को हिंदुत्व से ना जोड़े। विकास का मुद्दा भी आपके घोषणा पत्र में था, रोजगार और विकास का मुद्दा भी आपके घोषणा पत्र में था। कृपया बता दी कितना विकास, सबका विश्वास। कोई विकास में विकास की रफ्तार कम किए बिना देख लीजिए आप सड़कों का जाल बिछड़ा है चारों तरफ मैंने एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए खुल रहे हैं और हर तरफ सुविधाओं का विस्तार भाजपा सरकार मोदी सरकार कर रही है। चलते बहुत अरे रमेश जी से फिर सवाल करते हैं। बालाघाट से मनोहर अग्रवाल जी सवाल करना चाह रहे हैं। मनोहर जी सवाल करें। त्रिपाठी जी आपसे है, बुरा मत मानिएगा, पूरा विषयांतर हो गया आज के सब्जेक्ट का। जी जी जी। सब्जेक्ट आज का आपने रखे थे 14 दिसंबर भारत बचाओ रैली जी, और आज ये कहा जीएसटी और कहा नहीं रैली में जो बिंदु समाहित थे आर्थिक विषय है रैली वो सुनिए तो कांग्रेस ये रैली क्यों कर रही है? विषय ये था और रैली इसलिए कर रही है कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। चल ये रैली जो हमने इनके रैली क्यों कर रही हूँ वो मैंने पढ़ा है, उसमें ये बताया था किसानों का मुद्दा, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, उसमें कानून व्यवस्था ये भी मुद्दा जो इनने 4-5 पॉइंट लिए, इसलिए इसमें आर्थिक उसमें चले गए। ठीक आपने सुझाव दिया है, आर्थिक से हट के हम दूसरे मुद्दों पर जाएंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ होशंगाबाद से, रोहित जी सवाल करें। सर नमस्कार जी। नमस्कार
हेलो, सवाल करिए, सवाल रोहित जी। नमस्कार रोहित जी, आप सुन रहे हैं, सवाल करिए। और किससे सवाल है आप बोलिए। अशोक सर से सवाल है, अभी हमने इनकी बातें सुनी तो ये तो सेम ऐसा लग रहा था जैसे कि चुनाव से पहले के जो घोषणाएं और वादे हैं वैसा ही आज सरकार दूसरी बार बनने के बाद भी यही घोषणाएं कर रहे हैं। कितना धरातल पर काम हुआ है, जमीनी स्तर पर उतर कर देखें तो ज्यादा फायदा होगा। ये फीडबैक क्यों नहीं लेते हैं योजनाओं का, बस वादे करते चले जाते हैं। चलिए आपका सवाल आ गया, एक अंतिम दर्शक है हमारे साथ इंदौर से। इंदौर से राजेश पटेल जी, सवाल सवाल करें। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, मुझे बीजेपी असल चीज से बात करनी है। हाँ, वो सुन रहे हैं आप, बात करिए, सवाल करें। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ जी कि ये जो प्याज के दाम अभी बढ़ रहे हैं 100 रुपए 150 रुपए किलो हो रहे हैं जी, और इसमें ऐसा वित्त मंत्री जी बोलते हैं कि आप प्याज खाना छोड़ दो, मैं प्याज नहीं खाती जी, तो ये कहाँ तक उचित है? चलिए बजाय प्याज खाना छोड़ दे, बड़ा मौजू सवाल है, मौजू सवाल है ये। वो प्याज खाना ही छुड़वा रही है। प्याज के बारे में हर प्रकार से लोकसभा से भी जवाब आ गए हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो कृषि के उत्पादन पर सिर्फ निर्भर करता है। आए मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, और कहीं पर भी अगर जमाखोरी के कारण या मिसमैनेजमेंट के कारण अगर प्याज के दाम में बढ़ोतरी हो रही है तो उसके बारे में सरकार चिंता कर रही है। कितना चिंता करेंगे, एक महीने से मजदूर प्याज रोटी खाता नहीं खा पा रहा, कितना कितना चिंता करेंगे आप? नहीं, सरकार चिंता कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ इनकी सरकारों ने क्या राहत दी है ये तो बता दीजिए। तो दुकान लगा है ना आज, कभी सस्ते रेट में दे रहे हैं, तो कृषि उत्पादन है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्याज सस्ती है, टमाटर फेंकना पड़ता है सड़क में, उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के किसानों का अलग क्या है, सड़क में धान फेंक रहे हैं, ये हालत हो गई, कोई धान का खरीदार नहीं है यहाँ। अरे प्याज की बात करिए, धान की बात नहीं पूछी मैंने, प्याज उत्तर प्रदेश में सस्ती है क्या आप? नहीं, ये कृषि उत्पादन की बात है जी, और ये चिंता स्वाभाविक है, और धीरे धीरे सब कंट्रोल हो रहा है। आप चिंता न करें, सरकार भी चिंता कर रही है, राज्य सरकारों को भी चिंता करनी चाहिए, और अपने अपने राज्यों में मूल्यों को थोड़ा नियंत्रित करें। चलिए बल्याई साहब नियंत्रित करें, बड़े कुटिल मुस्कान, जमाखोरी हो रही, जमाखोरी दूर करें। रमेश अशोक जी के जिस तरह उत्तर आ रहे हैं, त्रिपाठी मुस्कान आपकी बढ़ रही है। सवाल एक दर्शक ने किया है कि आप संगठन तो ठीक करिए, ठीक है मुद्दा, रैली करिए, संगठन ठीक करिए, गुना में हार गए, ऐसे ऐसी जगह हार गए जो कांग्रेस बिगड़ रहे। त्रिपाठी जी जी, कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन की पार्टी है जी, और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष के माध्यम से ही ये पार्टी उभरेगी। इसलिए हम लोगों ने आर्थिक मामलों को, जो जनता से जुड़े मामले हैं जी, उसको लेकर भारत बचाओ रैली कर रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है जी, यानी सरकार के आंकड़े बोलते हैं कि 4 दशक में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है जी। हम नहीं बोल रहे, सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं जी। नोटबंदी जीएसटी से छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। अब ये प्याज, सरकार को मालूम था कि प्याज बारिश के चलते फसल कम हुई है, लेकिन सरकार ने मैनेजमेंट नहीं किया कि जब डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत है तो बाहर से इंपोर्ट कर लेते। पहले प्याज आता था पाकिस्तान से, पाकिस्तान से इन्होंने व्यापार बंद कर दिया है, तो दूसरे देशों से मंगाने के लिए पहले व्यवस्था करनी थी। आज 200 रुपए किलो प्याज हो गया है, तब ये जाके इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सारा ध्यान इनका क्या, हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान इश्यू पे टिका हुआ है। हमारे सवाल इनको देश के आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। रमेश जी, हमारे सवाल का उत्तर चाहिए कि अपना संगठन को मजबूत करिए। आज हमारे रिपोर्टर गए थे, जब आप ट्रेन से भर के जा रहे थे आपके कार्यकर्ता, तो उनसे कहीं तो मैं सुना दूं, उनसे जब पूछा गया अलग अलग लोगों से कि क्यों जा रहे हो आप, तो बोले एक प्रोग्राम है इसलिए जा रहे। उन्होंने ये उत्तर नहीं दिया कि किसने जा रहे, कि इसलिए अपना संगठन मजबूत करिए। सवाल भी आया है, संगठन का मजबूत करेंगे, एक इसमें आपने कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है, महिला अत्याचार की बात इस मुद्दे को भी लिया है। अरे छत्तीसगढ़ में 10 दिन में 10 बड़ी वारदातें हो गई, 10 बड़ी वारदातें हो गई, उन्नाव और हैदराबाद से बड़ी घटना आपके एक कस्बाई क्षेत्र में होती है, एक नाबालिग से बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अरे आप अपना कानून इसको मुद्दा मत रखते, छत्तीसगढ़ से कानून का आप अपनी व्यवस्था सुधारते पहले वहां। छत्तीसगढ़ में त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में जो भी घटनाएं हुई हैं, अपराधियों को तत्काल पकड़ा गया है जी,
पकड़ तो आज पकड़ा गया है, जो डबल मर्डर वाला कल कब था आज पकड़ में आ गए। अरे उन नाव में भी पकड़ लिया, वहाँ भी पकड़ लिया, तो फिर हाय तो तक क्यों बचाई? नहीं, तत्काल पकड़ा है हम लोगों ने वहाँ। और यहाँ पर हम कानून व्यवस्था का भय पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है छत्तीसगढ़ में, इस बात को लेकर सजग है। जी जी, देखिए जब ज्यादा संगठन की बात है, पुलिस का भय और तो हम लोग लगातार संगठन शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं। जी, तब इस तरह की घटनाएं होती है। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ने के बजाय जी किसानों का धान जब्ती करने में लगी है। अब ये चांद की बात बहुत कर रहे हैं, किसानों का धान जब्त कैसे हो जाए, इसी में अपनी बहादुरी लगाने लगे। त्रिपाठी जी, नया काम पुलिस को दे दिया इन्होंने। त्रिपाठी जी, अपना काम करना चाहिए। 2500 रुपए हम देना चाहते हैं किसानों को। कहाँ 2500? अब मोदी सरकार बोलती है कि 2500 दोगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। ये मोदी सरकार की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात करती है, लेकिन किसानों के पेट में लात मारने का काम करते हैं। कितना अन्याय हो रहा है, ये और वाकई बोलेंगे तो बात आ जाएगी। केंद्र में इंकार हो रहा है धान खरीदी करने से। चलिए बजाज साहब, लिमिट तय कर दिए बजाज साहब, भाजपा वाले बरकरार रहे। धान पे मत जाइए, वापस कर दिए लोग। धान पे मत जाइए, बेरोजगारी और नोटबंदी जीएसटी पे आप जाइए, और आप कानून व्यवस्था पे जाइए। रमेश जी, जो कानून व्यवस्था आपके कांग्रेस शासित राज्यों में व्यवस्था के बहुत बड़ी स्थिति में है, वो कानून व्यवस्था के ऊपर भूपेश बघेल की सरकार सख्त है, सख्त कदम उठाने जा रही है। आज भी डीजीपी ने सभी जिला जिले के जो एसपी हैं उनकी मीटिंग की है, उस मामले में काफी कठोरता से कदम उठाए जा रहे हैं। रमेश जी, बजाज जी बार बार किसानों की बात कर रहे हैं, हम 2500 रुपए देना चाहते हैं और मोदी जी बोलते हैं 2500 मत दो, 2500 दोगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। ये विचित्र हिंदुस्तान में हो रहा है। हम अपने संसाधनों से, हम अपने संसाधनों से चावल ले रहे हैं। 2500 में नहीं मांग रहे आप। मोदी जी कोई मना किए बताइए, मोदी जी का पत्र आया है कि आपका चावल नहीं लेंगे। गुमराह करने वाली बात न कीजिए, ये दुनिया जा रही है। 3000 रुपए दीजिए, दुनिया जा रही है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, समर्थन। आप मोदी जी को बोलिए, मोदी जी को आप क्यों नहीं खरीद रहे? मोदी जी को बोलिए चावल पे बैन क्यों लगा रहे हैं? वहाँ जाके जो लिमिट तय कर दिए किसानों, कोई लिमिट तय नहीं है। 15 क्विंटल, 15 क्विंटल हम और किसानों खरीद रहे हैं। और बड़ा धोखा मुद्दा मोदी सरकार बड़ा अविश्वास किसानों के साथ हिंदुस्तान में हुआ। बजाज साहब, किसानों के खेत में अधिकारी जाके चेक करने जा रहे हैं, इन्होंने धान बोया है कि नहीं बोया है, पंचनामा कर रहे हैं। बजाज साहब, पंचनामा रिपोर्ट में आ रहा है। बजाज साहब का धान खरीदेंगे, कोचियों का थोड़ी लेंगे, खरीदेंगे। बजाज साहब, ये पहली बार किसानों के साथ, अरे धान का मुद्दा नहीं है जो सरकार, धान का मुद्दा नहीं बजाज साहब, धान का मुद्दा नहीं है। रमेश जी से, दूसरे रमेश जी हमारे एक सवाल करना चाह रहे हैं। रमेश कांग्रेस के नेता और हमारे रमेश जी आर्थिक विशेषज्ञ, रमेश जी से आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। रमेश जी, नहीं यही मैं पूछ रहा था। नहीं, मेरा सवाल बजाज साहब से आप कर चुके हैं, रमेश बल्लानी जी से आप सवाल कर। नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा सवाल उनसे है कि आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि जीएसटी और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में असर पड़ा है? अशोक जी, निश्चित रूप से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। नहीं नहीं, बजाज साहब से पूछ रहे हैं, आप मानते हैं अशोक बजाज जी? अच्छा, बजाज साहब से पूछ, नोटबंदी और जीएसटी से असर पड़ा है, हाँ या ना? नहीं, देश में फायदा ही हुआ उसका, आप देख लीजिए। नोटबंदी से पूरी जनता खुश है जी। और बहुत कम लोग हैं जिनको इससे तकलीफ हुई होगी, बाकी आम जनता को कोई इससे नुकसान नहीं हुआ है नोटबंदी से। और जीएसटी तो जनता समझती नहीं है, जीएसटी तो सरकार और व्यापारी बीच का मामला, आम जनता को इससे, हमारे छत्तीसगढ़ के कम से कम जनता को, व्यापारी भी जनता भी आते हैं जी। नहीं, व्यापारी जनता, आम जनता की बात कर रहा हूँ, जैसे उपभोक्ता है, देखिए आम जनता वो ज्यादा इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन नोटबंदी से जनता खुश है और कहीं कोई नुकसान हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता। चलिए, आप रमेश बल्लानी से कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, वरिष्ठ मेरे उन्हीं से था सवाल। चलिए, उन्हीं को आप फंसाए पड़े जी के तौर पे। अग्नोत्री, आपका कोई सवाल? नहीं मुझे जी। रमेश, हमारा सवाल मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि संगठन मजबूत करिए। ये जी देश बचाओ की जगह दल बचाओ रैली आप कर रहे हैं, जनता भी, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी है वो भी चिंतित है। चिंतित इस बात के कि आप खुद सोचिए 2014-2019 आप इस स्थिति में नहीं, देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रही है,
आज आपके कार्यकर्ता वहाँ से चलते हैं ट्रेन में भर के, क्योंकि सरकार आपकी ये सारी सुविधाएं हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि हम किस रैली में जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, जी मैं आपको बता दूं जी कि जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका के रूप में सजग है जी। ये चुनाव के नतीजे नीचे ऊपर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दो सांसदों में सिमट गई थी जी, लेकिन बात तीन है तो कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन की पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन की पार्टी है। हम फिरिश पक्षी की तरह हैं जो मरकर भी अपने राग से जिंदा हो जाते हैं। तो एक हिंदुस्तान की बड़ी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज है कि देश को आगाह करें भारत बचाओ रैली के माध्यम से कि देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है जी, जी। आज बैंकों का ब्याज दर लगा अपनी जमा पूंजी से जो रोज अपना मासिक खर्च करते थे वो नहीं निकल पा रहा है जी। आज बैंक में पैसा जमा है तो रिजर्व बैंक बोलती है कि यदि बैंक डूब गई तो आप 1,00,000 रुपए के केवल उनकी गारंटी 1,00,000 देने की, यानी इतना भय है अर्थव्यवस्था को लेकर कि आम आदमी अब बैंक में पैसा रखने से डर रहा है। ब्याज 200 रुपए किलो, खाने का तेल की कीमतें बढ़ गई जी, रोजगार है ही नहीं जी। तो फिर जीवित मांग आपूर्ति का कोई संबंध नहीं है, परचेसिंग पावर खत्म हो रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में जो है प्रोडक्शन लगातार गिर रहा है उनका, क्योंकि डिमांड नहीं है। रियल एस्टेट बैठ चुका है। तो लेकिन केंद्र की सरकार को नागरिक बिल, हिंदू मुसलमान, इससे फुर्सत नहीं है। अरे तो नागरिक आपके देश कहाँ जा रहा है रमेश जी? 370 पे आप लोगों ने कहा विरोध भी किया था आर्थिक मामलों को। रमेश जी आप 370 पे विरोध भी किया था, लेकिन जब मोदी जी ने चुनौती दी कि कांग्रेस ही कहे कि अगर मैं फिर से सरकार में आऊंगा तो 370 वापस लागू करूंगा, तो आपने क्यों नहीं, क्यों आपके नेताओं ने नहीं कहा कि 370 वापस लागू करेंगे? देखिए जब हमारी सत्ता आएगी उस समय परिस्थितियां क्या होती हैं। देखिए 370 तक खत्म करने के बाद भी आज कश्मीर की क्या स्थिति है? फौज के भरोसे आप 1 करोड़ लोगों को कैद करके रखे हैं, ठीक है, जन सामान्य है। अरे तो आप सेब की फसल खत्म हो गई, आपकी सरकार आएगी तो फिर से लागू करेंगे वहां धारा 370 लगाएंगे फिर से फौज हटा देंगे? नहीं, उस समय परिस्थिति क्या रहेगी वो, उस समय समय काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होते हैं जी। समय काल परिस्थिति क्या वो आएगी तब देखेंगे। लेकिन आपने आपकी जल्दबाजी क्या थी, आपकी विधानसभा से प्रस्ताव पास करा लेते। सवाल इस बात का है रमेश जी, अगर उनका एजेंडा था धारा 370 समाप्त करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, समान नागरिक संहिता उनका एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत चल रहे हैं। आपका एजेंडा बताइए ना कि धारा 370 वापस लाएंगे कि नहीं, समय काल परिस्थिति पे क्यों जा रहे हैं? त्रिपाठी जी, जी त्रिपाठी जी, जो उनका एजेंडा है वो देश को तोड़ने वाला एजेंडा है जी। हमारा एजेंडा देश को जोड़ने वाला है। आपका एजेंडा क्या है? तो हम कदम फूक फूक के कदम रखते हैं जी, संविधान के दायरे में रह के काम करिए ना जी। आप महाराष्ट्र में राज्यपाल रात को राष्ट्रपति शासन वापस लेने का प्रस्ताव रात को 2 बजे भेजते हैं और राष्ट्रपति जी सुबह 5 बजे दस्तखत करते हैं जी, और चुपचाप शपथ हो जाती है। ये लोकतंत्र है हिंदुस्तान का? ऐसा इतिहास में कभी हुआ है हिंदुस्तान के? अरे आप तो आपको लाभ हो गया भाई आज, आपने कैसा हुआ ही आपको तो अलग बात है। अरे आप तो जो मोदी, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति भी यदि रबर स्टेट बन जाएंगे तो क्या होगा? ये तो खैर आपके समय भी था, मैं उदाहरण नहीं देना चाह रहा हूँ, समय कम है, मैं नहीं तो उदाहरण दे देता कि कब आपके मेरे समय ऐसा नहीं हुआ। रबर स्टेट समय रात के अंधेरे में काम नहीं हुआ। क्यों? आपने 3-3 सरकारें नहीं गिरा दी? आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार एक साथ नहीं गिरा दी? ये संवैधानिक था क्या? सब जगह होते रहे। वो राम जन्मभूमि के मामले में था और उसके बाद जो चुनाव हुए, चुनाव में हम जीत के आए। तो वही तो वो बोल रहे जनता के बीच गए, वही तो वो बोल रहे राजनीति नहीं की हमने। अरे वही तो वो बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं नोटों की राजनीति नहीं की। अरे नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद वो जीत के आए, तो वही तो वो बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम चारों में चुनाव जीत के आए, तो आप भी वही बोल रहे हो। ये सब उन इश्यूज पे कहां है सबका विकास सबका साथ? इस मुद्दे पे बात करें ना, ये मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सब नए नए इश्यू हो रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान, हिंदू 70 समान नागरिक संहिता। तो क्या आप ये जो अभी बिल लाए हैं समान नागरिक संहिता के अलावा जो नागरिकता संशोधन बिल लाए गए हैं, क्या आप आएंगे तो क्या इसमें संशोधन कर देंगे? क्या इस पर ही बता दीजिए समय काल परिस्थिति। निश्चित रूप से करेंगे।
अच्छा इस पर देखिए देखिए देश 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 मेल मिलाप से चलता है, इनको नागरिकता मिल गई उनको वापस भेज देंगे, देश के बीच तनाव से नहीं चलता है, भेजेंगे नहीं, जिनको नागरिकता के जो नियम है उस पर आप धर्म के आधार पर भेद क्यों करेंगे, आपका संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, हम धर्म के आधार पर भेद नहीं करना चाहते। तो मतलब आप इसको संशोधन कर देंगे, आपकी सरकार आएगी जैसा आपका दावा दे रहा है 24-25 समय जो समय काल पर कम से कम हम धार्मिक आधार पर जो विभेद की नीति है वो लागू नहीं होने देंगे अपने राज्य में। चलिए समय कम है, अभिनेत्री जी आपकी टिप्पणी चाहिए, फिर रमेश जी को तो बहुत सारे सवाल अपने मन की जिज्ञासा निकाल लिए, आपकी टिप्पणी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर। बजाज साहब से कुछ और सवाल किया जा रहा है, बजाज साहब से कुछ और उत्तर मांगा जा रहा है। बजाजी जी चूंकि आर्थिक विशेषज्ञ है, वकील है, तो उन्होंने अपने तो बातें बहुत अच्छी घुमा फिरा ली, और जब बात उसी एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है कि अगर नागरिकता संशोधन बिल अगर उनकी सरकार आती है तो वापस वो उस पर परिवर्तन करेंगे, लेकिन धारा 370 में जैसे उनके बड़े बड़े नेता कहीं और बातें घुमा गए उसी तरह है बल्लानी जी भी घुमा गए। आपकी टिप्पणी की है, नागरिकता संशोधन बिल भी जो है ये फिर से वापस नहीं ले सकेंगे जी, क्योंकि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो नागरिक हिंदू पारसी ईसाई और बौद्ध और जैन जो यहाँ आए हैं भाग करके जी, वहाँ के धार्मिकता से परेशान होकर के जी, उनको यदि भारत सरकार नागरिकता दे देगी तो फिर वापस से नागरिकता संशोधन बिल ला करके उनकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। और जहाँ तक इस रैली का सवाल, तो धार्मिक आधार है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपका धार्मिक आधार बहुत, आपका धार्मिक आधार बहुत समझ में आता है, आपका धार्मिक आधार एक ही है एकमात्र, लेकिन ये जो रैली की बात मैं करना चाह रहा था कि ये जो रैली जो है इनके इश्यूज बहुत हॉट हैं और इश्यूज बहुत सही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन इश्यूज को लेकर के कांग्रेस कितना अपना संघर्ष जारी रख पाती है, क्योंकि यह जो एक जो शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको जो देखा जा रहा है या ये कहे कि हम अपनी धरातल मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन को करने जा रही है, जो एक बार टाला जा चुका है, टाला भी इसलिए जा चुका है क्योंकि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था दिसंबर में, इसलिए उसको फैसला हो गया था जी हाँ, उसीलिए उसको टाल करके अब 14 जनवरी को रखा गया है। तो इस रैली का जो उद्देश्य है वो संगठन को मजबूत करने का, जहाँ अभी परसों ही रखा गया जी जी जी, तो उसको किस तरह से अपने संगठन मजबूत करने का जो उद्देश्य जो समझ में आता है उसको आप कैसे वो आगे ले जाएंगे इसको देखना होगा। चलिए सैनी जी आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी हो जाए उसके बाद। मैं आपको बता दूं, मैं आपको कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने का कारण यही था कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जनता के मुद्दों को लेकर सड़क में संघर्ष किया, सड़क से लेकर विधानसभा तक। जी जी जी, लेकिन जो आर्थिक मामले हैं देश की जनता को बताना जरूरी है, इसके माध्यम से पार्टी भी मजबूत होगी और देश को हम आगाह भी करेंगे जी, क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था स्थापन में चली गई तो देश में आर्थिक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, देश में पिछले संभले नहीं संभलेगा देश। रमेश जी समय समाप्त हो गया है, अग्रोत्री समय समाप्त हो गया है। रमेश जी निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो संघर्ष किया था वो संघर्ष छत्तीसगढ़ के अलावा मुझे अभी भी और पहले भी नहीं दिख रहा था, हम लोग देख रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेसी वहां संघर्ष कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी वो स्थिति नहीं थी, राजस्थान में तो ऐसा लग रहा था कि अपने आप थाली आ जाएगी, लेकिन आई नहीं है, बहुत बहुत एकदम थिन मार्जिन भी नहीं है जी। सैनी जी आपकी संक्षिप्त पड़ी, उसके बाद समय त्रिपाठी जी, ये इसमें दो बातें हैं। अगर कांग्रेस सबसे पहले जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा संगठन मजबूत करना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, हर जगह संगठन जो है वो कमजोर होती जा रही है और संगठन में जो वर्कर्स हैं उनको एनकरेज करना बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस का कहीं ना कहीं पुनरुद्धार होने का पुराने धुरी पे आए जी। और दूसरी बात यह है कि जो ये रैली कर रहे हैं मुद्दे बिल्कुल सही मुद्दे हैं और ये एक रैली से नहीं होगा, ये हर गांव में हर जिले में हर जगह इनको इस मुद्दों को उठाकर लोगों का जो परेशानियां हैं और लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहिए। कम से कम कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो आप उठा ही सकते हैं, जिलों में गांव में कस्बाई क्षेत्रों में इस मुद्दों को उनको रिजॉल्व करना चाहिए। किसान जो है मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे हम जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्नित्री जी आपका, साइनी जी आपका, आर्थिक विशेषज्ञ हमारे रमेश शर्मा जी आपका, बजाज जी आपका और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।